ओम नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अच्छे दिनों के बारे में। हम सभी चाहते हैं, हम सभी की चाहत भी होती है कि हमारी लाइफ बहुत ही स्मूथ हो, सुख समृद्धि शांति से परिपूर्ण हो, मान सम्मान मिले, ऐश्वर्य मिले, जीवन में हमेशा तरक्की और कामयाबी मिले, घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो। तो इन सभी चीज़ों की चाहत के साथ ही रोज़मर्रा के हम दैनिक कार्यों को स्टार्ट करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, चाहते हमारी बहुत कुछ होती हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मन की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं। लेकिन भगवान हमें कुछ संकेत देते हैं, खास संकेत देते हैं, जिनके द्वारा आप समझ सकते हैं कि हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत अब हो चुकी है। अब आने वाला समय जो भी होगा वो आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा, सुख समृद्धि शांति लेकर आने वाला है। घर में कभी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, परिवार में हर ओर खुशहाली का वातावरण रहेगा। आप जहाँ भी कार्य करते हैं, फिर वो चाहे नौकरी हो या फिर कारोबार हो, उसमें आपको उन्नति और प्रगति के लगातार मौके मिलने वाले हैं। 6 अद्भुत रहस्य जिनसे आप इस बात को समझ सकते हैं कि लाइफ में अब आपके बदलाव आने वाले हैं। आज हम उन 6 रहस्यों के बारे में ही चर्चा करेंगे, जिनको यदि आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप आने वाले संकेतों को भी समझ सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि रोज़मर्रा के कार्य को करने के दौरान हम बाहर निकलते हैं और जब हम बाहर निकलने लगते हैं तो दरवाजे पे गाय खड़ी हुई मिल जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपके दरवाजे पे गाय आके खड़ी हो जाती है और रंभाती है, आवाज़ करती है, तो समझ लें आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। भगवान आपको दैविक तरीके से आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। दूसरे संकेत की बात करते हैं। दोस्तों, कई बार आपने ये महसूस किया होगा कि आप विशेष कार्य को करने के लिए सोच रहे हैं और आपके मन में उधेर बुन चल रहा है, क्या पता ये कार्य अच्छा होने वाला है, सही होगा या गलत होगा, इससे मिलने वाले परिणाम के बारे में आप सोचकर भयभीत हो जाते हैं। लेकिन इसी दौरान आपके घर में एक छोटी सी कन्या आ जाती है जिनकी आयु 9 वर्ष से कम हो और यदि वो पूरे श्रृंगार के साथ होती है तो समझ लें कि आप जिस कार्य को करने की सोच रहे हैं उसमें आपको सफलता 100% मिलने वाली है। छोटी कन्या माता रानी का रूप होती है और उसी समय कन्या का आना इस बात का संकेत होता है कि आप बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर इस कार्य को करें। आपके घर में जिस भी तरीके से आप इस कार्य को करते हैं, सुख समृद्धि का वास होता है, आपका कार्य सफल होता है। तीसरा संकेत ईश्वर हमें देते हैं। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा आप किसी विशेष कार्य के लिए अभी निकलने वाले हैं या फिर निकल रहे हों और आपके सामने से सुहागन स्त्री पूरे श्रृंगार के साथ पार हो रही है, आपके बिल्कुल नज़दीक से वो गुजर रही हो, तो भी ये संकेत होता है कि आपका जो भी कार्य है वो 100% सफल होगा, किसी भी तरह की उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। चौथे संकेत में आप सभी देखते होंगे दोस्तों, अमूमन हम सभी मॉर्निंग में पूजा अर्चना करते हैं लेकिन कई बार होता है ऐसा कि पूजा अर्चना करने के बाद भी कार्य सफल नहीं होता है। लेकिन जब आप बाहर निकलने की सोच रहे हैं और उसी दौरान पूजा की थाली लिए कोई भी सुहागन महिला यदि आपको दिख जाती है या फिर कोई छोटी स्त्री दिख जाती है, तो छोटी कन्या दिख जाती है, तो इसे भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है और ये भी परमात्मा का संकेत होता है कि आपका आने वाला कार्य पूरा होगा, उसमें किसी भी तरह के कोई विघ्न नहीं होगी। भगवान आपको इस तरह से भी संकेत देते हैं। दोस्तों, इसके अलावा परमात्मा हमें एक संकेत और भी देते हैं। कभी आप किसी भी जरूरी कार्य से मान लें कि बाहर निकल रहे हैं और आपके सामने ठीक ग्वाला आ जाए या फिर ग्वाला गाय से दूध निकाल रहा हो, तो ये भी बहुत शुभ स्थिति मानी जाती है। ये बताता है कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है, धन का आगमन होने वाला है, किसी भी तरह से आपके किसी कार्य में रुकावट नहीं आएगी, आपका जो कार्य है वो निर्विघ्न पूरा होगा और इसके साथ ही परमात्मा का भी इसमें आपको आशीर्वाद होता है, तो ये भी एक बहुत अच्छा लक्षण माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, कई बार आप देखते होंगे और प्रायः ये कभी ना कभी नज़र आ भी जाता है और हम समझ नहीं पाते हैं, हम उतना ध्यान बल्कि नहीं देते हैं, इस वजह से इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं। जब आप किसी बेहतर कार्य से, किसी ज़रूरी कार्य से कहीं भी बाहर निकल रहे हों और गाय सामने खड़ी हो,
गाय का जो बाच्चा होता है, जो बाछी होती है, वो उसका दूध पी रहा हो, तो इसी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। दूध पीना जो होता है ना, मातृत्व को दर्शाता है। और कहते हैं जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे पर ममता अपनी लुटाती है, उसी तरह परमात्मा अपने बच्चे को एक समान मानते हैं, और वो भी उसी तरह से अपने बच्चे पर अपनी स्नेह दर्शाते हैं, उसके हर एक कार्य को बनाने में उनकी अनुकंपा होती है। तो दोस्तों, यदि आप इन नियमों का ध्यान रखते हैं, इन चीज़ों का पालन करते हैं, और इसके साथ ही छोटी छोटी इन बातों को यदि आप अनुसरण करते हैं, नोटिस करते हैं, तो आपके जीवन में बदलाव निश्चित रूप से आता है। आपके हर कार्य में उस समय तरक्की भी होती है, कारोबार में भी आपको खूब सफलता मिलती है। मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।